हेलो एवरीवन, आई एम अनुज। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम, लेट्स डू इट टुगेदर। आज हम लोग एक रीजनिंग का मॉक टेस्ट देंगे जो SBI क्लर्क 2022 के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। ये लाइव मॉक टेस्ट रहेगा, ये 6 मॉक टेस्ट है। इससे पहले कि 5 मॉक टेस्ट मैंने चैनल पर डाल रखे हैं, आप लोग चाहो तो उन्हें देख सकते हो। हम ट्राई करेंगे कि 20 मिनट्स के अंदर अंदर 35 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लें। बीच बीच में मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक बताता रहूँगा और आप लोग चाहो तो म्यूट करके भी मेरे साथ मॉक टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, तो मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे कहीं पे स्क्रीन पे आपको मॉक टेस्ट दिखता रहेगा लाइव, तो आप वहाँ से टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो स्टार्ट करते ही सबसे पहले हमारा जो मेन मोटिव होता है वो सिलॉक्स, चाइनीज कोडिंग या इनक्वालिटी होता है, तो उसी को मैं सर्च कर रहा हूँ। इनक्वालिटी मिल गया है तो इस इनक्वालिटी को पहले करेंगे। स्ट्रैटेजी यही रहेगी, जो वन वर्ड वाले क्वेश्चन होते हैं उनको पहले करें, फिर पजल को सबसे लास्ट में करते हैं। ठीक है, और इनक्वालिटी को जल्दी से आपको फिनिश करने के लिए मैं तो स्क्रीन पे सॉल्व करता हूँ, तो आप लोग भी आदत बना लो कि आप भी स्क्रीन पे सॉल्व करते हो इसको। इनक्वालिटी को लिखने का आपको मतलब ज़रूरत ना पड़े लिखने की कॉपी पे। तो इनक्वालिटी के सिर्फ 3 क्वेश्चन थे, अब हम लोग इस पे आ गए हैं, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन वाले क्वेश्चन पे। ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है, SBI क्लर्क का पेपर है तो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल है, मुझे लग रहा है ये मॉडरेट लेवल है, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन आए अभी तक मैंने देखे हैं वो सारी पजल्स हैं, हैं या फिर एक दो क्वेश्चन है बस। जो इनक्वालिटी भी आपने देख लिए, सिर्फ 3 ही क्वेश्चन थे, ये भी शायद 1-2-3 क्वेश्चन ये भी होंगे डायरेक्शन का, तो डायरेक्शन को जल्दी से बना लेते हैं। ठीक है, हमको अटैम्प्ट तो सारे करना है। ठीक है, ट्राई करेंगे कि कम से कम टाइम में अटैम्प्ट कर पाएँ, मोटिव यही रहना चाहिए ताकि फिर बाद में चेक कर सकें, है ना। स्पीड आपको बना के रखनी है अपनी। आप लोग भी चाहो तो यहाँ पर टेस्ट चल रहा है साथ साथ, तो आप लोग भी सॉल्व कर सकते हो। एक एक क्वेश्चन आ रहा है, आप लोग भी कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और सॉल्व करते रहो मेरे साथ। दिन का एक मॉक टेस्ट देते रहोगे तो आपकी भी प्रैक्टिस इनफ हो जाएगी प्री के पेपर को क्लियर करने के लिए। और मेंस के पेपर के लिए अगर आपको देखना है तो मेंस की पजल भी मैंने डाल रखी है, 3-4 वीडियो डाल रखी हैं, आप लोग चाहो तो उनको भी चेकआउट कर सकते हो। उसको मैंने मतलब शुरुआत से लेकर लास्ट तक बता रखा है कि कैसे पजल बनाई जाती है। ठीक है, तो आप उनको भी चेकआउट कर सकते हो। उसमें 4-4 ऑब्जेक्ट, 5-5 ऑब्जेक्ट बैठे हुए हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग पजल है। उनका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप लोग वहाँ से उन पजल को भी चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, अब 3rd क्वेश्चन पर आ गए हैं। ये ऑर्डर रैंकिंग का क्वेश्चन है। हाँ, 6 मेंबर नहीं, ऑर्डर रैंकिंग का क्वेश्चन है। हाँ, ऑर्डर रैंकिंग का ही क्वेश्चन है, तो इसको ऑर्डर रैंकिंग को देख लो मैं कैसे बनाता हूँ, आप लोग भी देख लो। इसे मैं वर्टिकल वेव में ही बनाता हूँ। ठीक है, रैंक को मैं ऐसे हॉरिजॉन्टल वेव में नहीं लिखता हूँ कि हॉरिजॉन्टल वेव में लिख दिया फिर ग्रेटर एंड ग्रेटर एंड, ऐसा नहीं। ये आप ऐसे करके बनाया करो, इससे ज़्यादा आसान पड़ता है। जो सबसे ऊपर आएगा ऑब्वियसली उसकी एज सबसे ज़्यादा होगी, जो नीचे होगा सॉरी उसकी एज कम होगी, तो आप ऐसे करके भी बना सकते हो। कोई एक पैटर्न को पकड़ लो और उसी को फॉलो करो हर जगह, बस ये होता है, ताकि आपकी एक्यूरेसी ना थोड़ी ज़्यादा हो जाए। अगर आप अलग अलग पैटर्न से पजल बनाते रहोगे कि इसमें लीनियर, इसमें हॉरिजॉन्टल, ऐसे करते एक्सपेरिमेंट करते रहोगे, तो फिर एक्सपेरिमेंट के लिए ये पेपर नहीं है। यहाँ पे स्पीड देखी जाती है आपकी और एक्यूरेसी देखी जाती है, और एक्यूरेसी उसी चीज़ से आती है कि एक चीज़ को आप बार बार करते रहोगे तभी एक्यूरेसी आएगी। ठीक है, तो अगर आप हॉरिजॉन्टल बनाते हो तो हॉरिजॉन्टल भी बना लो, मैं ऐसा कुछ फोर्स नहीं कर रहा कि मेरी तरह बनाओ, लेकिन मुझे इससे काफ़ी हेल्प मिलती है ऐसे वर्टिकल वे में बनाने से, क्योंकि रैंकिंग की जो लिस्ट आती है हमारी, आपने देखा होगा, वो भी ऐसी करके आती है। तो हम अब पजल पे आ गए हैं। ये पजल बोल रही है, इसमें कुछ मंथ दे रखे हैं और कुछ डेट दे रखी हैं, 8 लोगों को उनमें अरेंज करना है। ठीक है, सिंपल है, मीटिंग अटेंड करनी है उनको 7 जुलाई या फिर 7 या 20, 2 डेट दे रखी हैं, एक इवन एंड ऑड, ऑब्वियसली ऐसे ही होता है हमेशा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ऐसे दे रखा है, डेट दे रखे हैं। तो आप ऐसे करके ग्रिड बना लिया करो। ठीक, जैसे मैंने ग्रिड बनाया, मैट्रिक्स बनाया, वैसे बना लिया करो, और जुलाई के सामने लिख दिया करो 31, अगस्त के सामने 31, सितंबर के सामने 30। ठीक है, ये क्या है, एंड ऑफ डेट्स, किस मतलब कितने महीने का, ये कितने दिन का महीना है ये। ठीक है, तो क्योंकि ऑड इवन में इसमें काफ़ी स्टेटमेंट बोली जाती है कि जो पी है वो मीटिंग अटेंड करेगा इवन नंबर ऑफ डेट में और इवन नंबर ऑफ जिसमें मंथ हो, मतलब जिसमें दिन हो, इवन नंबर ऑफ डेज वाले मंथ में। ठीक है, तो ऐसी स्टेटमेंट आती रहती हैं, तो आप लोग पहले से अगर बना के रख लोगे तो आपके लिए आसानी रहेगी। तो अब 2 पॉसिबिलिटी मैंने मतलब साथ साथ 2 पॉसिबिलिटी भी बना ली है, मैं देखूँगा अगर जरूरत पड़ेगी तो एक और पॉसिबिलिटी बना लेंगे, क्योंकि मुझे लगता नहीं जरूरत पड़ेगी। हम लोग पुट करते हैं यहाँ पे
कंडीशन तो मैंने सारी नोट कर ली है। अब मैं जल्दी से ट्राई करता हूँ कि कोई कोई ऐसे रैंडम पॉइंट उठा के उसको ट्राई करता हूँ कि अगर बैठ जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो दूसरी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, हमारे पास आप लोग भी ट्राई करते रहो, म्यूट करके ट्राई करते रहो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बैठ के करो, लेकिन मोटिव ये बना लो कि अगर ये क्वेश्चन आ गया है आपकी स्क्रीन के सामने तो इसको सॉल्व करके ही आगे बढ़ना है। ठीक है, जैसे अभी मैं सॉल्व करके ही आगे बढ़ूंगा ना, तो वैसे भी आपको सॉल्व करके आगे बढ़ना है। बाकी इस लाइव मॉक टेस्ट का मोटिव तो यही है कि आपको एक दिखाना कि पेपर को अटेंड कैसे करा जाता है। ठीक है, कि वहाँ पे एग्जामिनेशन रूम में चले गए हैं, सिस्टम सामने है, तो पेपर को अटेंड कैसे करा जाए। पेपर तो आपके वहाँ, आपके पास भी वहाँ पे कॉपी पेन होगा। ठीक है, तो कैसे, कौन सी पज़ल को पहले करना है, किस स्ट्रैटेजी से करना है। देख सकते हो हमारी पज़ल बन गई है, सेकंड पॉसिबिलिटी राइट हो गई है। अब जल्दी जल्दी टिक करके आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे मैंने बहुत से मॉक टेस्ट दे रखे हैं यहाँ पे चैनल पे, तो आप लोग चाहो तो उनसे प्रैक्टिस भी कर सकते हो। रिगार्डलेस कि SBI क्लर्क का पेपर तो हम SBI PO की प्रैक्टिस भी करें, लेकिन प्रैक्टिस तो प्रैक्टिस है ना, किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेन मोटिव ये होना चाहिए कि हाँ, एक दिन है, आज के दिन एक मॉक टेस्ट तो जरूर लगाए। एक मॉक टेस्ट रीजनिंग का, एक मॉक टेस्ट मैथ का, एक मॉक टेस्ट इंग्लिश का, और साथ ही साथ आप अपनी उसकी तैयारी करते चल दो, मेंस की उसमें न्यूज़ आती है तो उसको भी कर करते हुए चलो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रीजनिंग के लिए आपको एडवाइस दे सकता हूँ, तो रीजनिंग के लिए बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं, आप लोग चाहो तो उनको जाके चेकआउट कर सकते हो। तो ये एक अल्फान्यूमेरिक सीरीज़ आ गई है, इसको भी जल्दी से कर लेते हैं। तो ये थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पेपर था, क्योंकि इसमें इनक्वालिटी नहीं आई, बस बहुत थोड़ी सी इनक्वालिटी आई है। सिलॉक्स मैंने अभी तक देखे नहीं है, और डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन आ गया, मतलब काफ़ी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ गए हैं, लंबे लंबे क्वेश्चन जो होते हैं। पर हम लोग ट्राई करेंगे जल्दी से जल्दी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का। अगर 20 मिनट दे रखे हैं तो आप ट्राई करा को 18 मिनट में सॉल्व करने का। ठीक है, रीजनिंग का बता रहा हूँ, या फिर जो भी आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होता है उसका, जो भी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होता है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने का ट्राई करा होगा, ताकि नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए आपको टाइम मिल जाए, या फिर उस सब्जेक्ट को आप वापस रीचेक कर सको। ठीक है, अल्फान्यूमेरिक सीरीज में कुछ नहीं कह रखा है, जैसे स्टेटमेंट दे रखी होती है वैसे वैसे बोलना होता है, जैसे बोल रखा है। बताओ, एट्थ एलिमेंट, एट्थ टू द लेफ्ट ऑफ टेंथ एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड। तो राइट हैंड से हम टेंथ एलिमेंट गिनेंगे, फिर उसके लेफ्ट में एट एलिमेंट गिन लेंगे, तो टोटल मतलब 18 लोग गिनने हैं राइट हैंड से, और जो भी आएगा उसको मार्क करके आगे बढ़ो बस। अब हम लोग दूसरी पजल पे आ गए हैं। ये पजल क्या कह रही है कि 8 लोग बैठे हैं एक स्क्वायर टेबल पर, 4 लोग सिटिंग आउट द कॉर्नर और 4 लोग मिडिल मिडिल साइड में बैठे हैं, मतलब 4 लोग कॉर्नर पे बैठे हैं, 4 लोग साइड में बैठे हैं। तो जो कॉर्नर में बैठे हैं वो फेस बाहर कर रहे हैं, और जो बीच में बैठे हैं वो फेस इनसाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे करके आपका पजल का स्ट्रक्चर है वो बन जाएगा, जैसे आप कॉपी में देख सकते हो मैंने बना दिया है, ऐसे करके आप भी बना दिया करो। उसके बाद जो स्टेटमेंट लिखी है देखो, बस मुश्किल से 5 लाइन की स्टेटमेंट है, 1 2 3 4 5, हाँ 5 लाइन की स्टेटमेंट है, तो ज़्यादा कुछ नहीं है, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्लर्क है, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं पूछेंगे इसमें। ठीक है, इसमें आपकी स्पीड देखेंगे और एक्यूरेसी देखेंगे। ठीक, नॉलेज वो आपकी मेंस में देखेंगे फिर। ठीक है ना, तो घबराना नहीं है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना है फिर आगे बढ़ना है। आप लोग भी ट्राई करते रहो। देख सकते हो अब मेरी पजल कंप्लीट बनके तैयार हो चुकी है, 1 मिनट 20 सेकंड के अंदर पजल बनके तैयार हो गई है। अब जल्दी जल्दी इसमें आंसर को देख के टिक करके फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, SBI PO का भी पेपर आने वाला है, तो उसके लिए भी मैंने कुछ पजल्स चैनल पर डाल रखी हैं, आप लोग चाहो तो उनको भी चेकआउट कर सकते हो। तो हमें पजल तो कंप्लीट हो गई है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 7 लोग फैमिली मेम्बर, मतलब ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बना लेते हैं। बी इज़ द ओनली चाइल्ड ऑफ के इज़ द फादर लॉन ए, तो जल्दी जल्दी बना लेते हैं। हम मैं बता देता हूँ, मैं प्लस को मेल से डिनोट करता हूँ, माइनस को फीमेल से।
बाकी आपको वो तो पता ही है कि हायरार्की क्या होती है। सबसे ऊपर वाली जनरेशन होती है दादा दादी वाली, फिर बीच में मम्मी पापा, फिर हम लोग आते हैं, ठीक है। तो और हमारे नीचे आगे नहीं बढ़ते हैं। तो तीन जनरेशन का ज़्यादातर पूछता है इसमें, मेंस में पूछ लेता है कभी कभी फोर्थ जनरेशन का। और मेंस में कैसे पूछता है बताता हूँ, कैसे पूछेगा वो सिंबल के साथ पूछेगा, ठीक है। कि ए स्टार बी का मतलब हो जाएगा ए है हस्बैंड बी का, ऐसे करके पूछता है वो मेंस में, ठीक है। तो उसके लिए भी अलग से वीडियो बना देंगे हम लोग, उसकी चिंता न करो। अभी तो मेन फोकस हम क्लर्क पर रखते हैं, उस पर प्री पे रखते हैं, ठीक। मेंस के लिए हम बाद में पढ़ लेंगे। तो जल्दी से हम लोग बना दिए हैं, अब बस आंसर को टिक करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन आ गया, इसको भी कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में उसको बाद में करेंगे, इस वाले क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं। 8 लोगों को बैठाना है, 8 बॉक्सेस को अरेंज करना है टॉप टू बॉटम। ए अगर बोल नहीं रखा है तो आप कोई सा भी नंबर ऊपर नीचे लिख सकते हो। मैंने 8, 7, 6, 5, 2, 4, 3, 2, 1 से ऐसे स्टार्ट कर दिया है, आप लोग 1, 2, 3 से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। और दे आर 4 प्लेसेस बिटवीन ए एंड जी का बॉक्स में, 3 प्लेस बिटवीन बी एंड डी के बॉक्स में, बी इज़ नॉट प्लेस बिलो डी, तो बी डी के ऊपर ही ऊपर होगा। नंबर ऑफ बॉक्स एफ एंड एच सेम नंबर ऑफ बॉक्स एफ एंड डी, तो एफ और एच के बीच में जितने बॉक्स हैं एफ और डी के बीच में उतने बॉक्स होंगे। सी इज़ प्लेस जस्ट बिलो डी। तो बहुत आसान पूछ रखा है, इसमें ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं। जल्दी जल्दी आप कंडीशन नोट कर लोगे, फिर आप पुट करना स्टार्ट कर दो। अब पुट करने के लिए सबसे बेहतरीन बताता हूँ, जिसमें सबसे ज़्यादा बॉक्स कवर कर रहे हो ना, उस नंबर को पहले लिखा करो, ठीक है। अब प्रैक्टिस करते रहोगे ना, तो आपको भी आदत पड़ जाएगी कि हाँ कहाँ पर बॉक्स आना है, कहाँ पर नहीं आना है। ये सब प्रैक्टिस से आएगा, जितने आप मॉक टेस्ट लगाते रहोगे या फिर क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे। आप देख सकते हो एक ही पॉसिबिलिटी में मेरी पजल बन गई है, ठीक है। 1 मिनट 20 सेकंड के अंदर ये पजल भी बन गई है। अब जल्दी जल्दी टिक करते हैं, फिर हम लोग, ये मेरी शायद लास्ट पजल है, इसके बाद एक दो क्वेश्चन रह गए हैं, वो जो वो वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो कैप्स वाले और वर्ल्ड काउंट वाले, तो वो रह गए हैं, उनको भी कर लेते हैं, फिर सबमिट करते हैं, ठीक है। अच्छा, 3 क्वेश्चन और रखे हैं, उनको भी कर लेते हैं। इसको कर लेते हैं पहले। क्लासरूम है, क्लासरूम, इसकी मैं ट्रिक बता देता हूँ। जिगजैग मोशन में लिखा करो, इसकी प्लेस वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। 3, 12, 1, 19, 19, 18, फिर 15, 15, 13। तो आप ऐसे जिगजैग मोशन में लिख लोगे ना, तो आपके लिए आसान पड़ेगा। और इस क्वेश्चन को पूरा जरूर पढ़ा करो। मैं देखा कुछ बच्चे पूरा नहीं पढ़ते हैं, फ्लो फ्लो में चले जाते हैं कि हाँ गैप ढूंढ लेंगे, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिखा होता है। नहीं, इसमें अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना, तो इसमें सिर्फ बोला है कि सिर्फ बैकवर्ड डायरेक्शन से जितने वर्ड हो रहे हैं ना काउंट, बस उनको गिनना है, काउंट करना है, ठीक। फॉरवर्ड वाला नहीं, बैकवर्ड वाला सिर्फ। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना आप, ठीक। एक बार वापस से गिन लेता हूँ, क्योंकि इसमें ज़रा सी माइनर मिस्टेक हो जाती है, फिर एक क्वेश्चन गलत हो जाता है। मैं तो अवॉइड करता हूँ इस क्वेश्चन को करने का भी, अगर आ रहा होता है, अगर आ रहा होता है तो मैं करता हूँ, बिल्कुल श्योर होता हूँ तभी करता हूँ। ये पजल रह गई है, काफ़ी लंबी पजल है, समझ में नहीं आ रहा 3 क्वेश्चन कैसे हैं इसके। चलो इसको भी बना लेते हैं, पजल के 3 क्वेश्चन आए हैं, मतलब हद है बिल्कुल। चलो इसको भी कर लेते हैं जल्दी से। 9 लोग बैठे हैं फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ फेस कर रहे हैं, और बस आपको बैठाना है हॉरिजॉन्टल वे में बैठाना है। 2 पर्सन बिटवीन एच एंड एफ, हु इज इन द मिडल ऑफ द रो, तो एफ मिडल ऑफ द रो है, तो एफ के लिए दो एक कंडीशन इधर बन जाएगी, दो छोड़ के एच इधर बैठ जाएगा, दो छोड़ के एच इधर बैठ जाएगा, ठीक है। तो दोनों कंडीशन मैंने यहाँ बना ली है पॉसिबिलिटी के साथ, सॉल्व करते हैं हम लोग उसको जल्दी जल्दी। आप लोग भी ट्राई करते रहो, यहाँ पे साथ ही साथ पता चल रही है ना, तो ट्राई करते रहो। तो पज़ल हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, यहाँ से पज़ल हमारी कंप्लीट हो गई है। और मैं एक बार चेक कर लेता हूँ नीचे भी, देख के कि बैठ के सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। नहीं, नीचे सही नहीं हो रही है, नीचे गलत हो जाएगा, क्योंकि
वो उसमें मैक्सिमम दो लोग बोल रखे हैं बैठने के लिए डी और सी के बीच में, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऊपर वाली पजल हमारी कंडीशन एकदम सही है, उसको हम लेकर फिर सॉल्व करते हैं। अजीब है, इसमें पजल इतनी लंबी थी लेकिन सिर्फ तीन ही क्वेश्चन मुझे दिख रहे हैं इसमें। तो ठीक है, तो पजल वजल सब हमारी हो गई, 35 से 35 क्वेश्चन हो गए हमारे। अब इसको सबमिट करते हैं हम लोग फिर, क्योंकि चेक चेक नहीं करूँगा मैं अभी, चेक करने में टाइम वेस्ट हो जाता है। सबमिट करते हैं। 32.5 मार्क्स आए हैं, मतलब दो गलत चले गए। अब यहीं पे चेक कर रहा होता तो शायद ये दो गलती ना होती, लेकिन चेक करने का टाइम नहीं है क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस के लिए था एक टेस्ट। फिर अगले टेस्ट में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल मीट यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन वर्क हार्ड एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।